Okay. Hello everyone. This is Pinky Palayya, and you are watching us on Karma Foundation Facebook page. Today, Karma Foundation presents a special session with Aarti Bajaj in association with Wild Dreamer Production and supported by ShivanshiMalani.com. जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत पूरे विश्व में अपनी अनुपम कला और संस्कृति के लिए विख्यात है. आज हमारे साथ है ऑस्ट्रेलिया से आरती बजाज, जिन्होंने विदेशों में अपनी भारतीय कला और संस्कृति को सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. तो मिलते हैं आरती जी से. आरती जी ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही जानी मानी आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं एंड कोरियोग्राफर हैं. वेलकम आरती जी. थैंक यू, धन्यवाद पिंकी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत आभार कि मैं यहाँ पर हूँ आज। थैंक यू। आरती जी, वैसे तो आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे भारतीय कला और संस्कृति के बारे में, और बहुत कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं. क्या आप किसी कलाकार की परिवार से बिलोंग करती हैं? आपकी कला का सफर कहाँ से शुरू हुआ? जी नहीं, मैं किसी कलाकार के परिवार से बिलोंग नहीं करती, और मेरे कला का सफर मेरी माँ की के परिणामों के वजह से शुरू हुआ, उसकी मेहनत से शुरू हुआ। 8 साल की उम्र से शायद मेरी माँ ने कुछ देखा उस छोटी सी लड़की में, जो नॉर्मल गानों पे इधर उधर डांस करती थी, और उसे लगा कि इसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, और मेरा सफर शुरू हुआ। तो कब आपको एक्चुअली कब जीवन में ऐसा लगा, ऐसा कब वो पल आया तो आपको एक्चुअली लगा कि अब ये आपकी जो कला है, जो आपका पैशन है, इसी को आपको अपना करियर बनाना है? कई बार हारने के बाद 8 साल की उम्र से मैंने भरतनाट्यम में तालीम लेना शुरू किया, और जब मैं 18 साल की थी तब मेरा आरंगेत्रम हुआ था। आरंगेत्रम जब आपकी क्लासिकल नृत्य में आपका जो ट्रेनिंग होता है, जब आपकी टीचर आपके गुरु कहते हैं कि ठीक है, अब आप इस लायक हैं कि आपकी ट्रेनिंग, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग विशारद हो चुकी है, और अब आप आपकी प्रस्तुति दे सकते हैं स्टेज पर, वो उसे आरंगेत्रम कहते हैं। तो जब मेरी आरंगेत्रम की ट्रेनिंग चल रही थी और जब मैंने अपना आरंगेत्रम किया, उस समय एक सोलो परफॉर्मेंस 3 घंटे तक स्टेज पर लगातार 1500-2000 लोगों के सामने मैं करती रही, और ऐसा माना जाता है कि क्लासिकल बहुत नॉर्मल ऑडियंस को बोरिंग लग सकता है, पर वहां पर ऑडियंस शुरू से लेकर अंत तक वैसी की वैसी रही, और जो अनुभूति मुझे हुई वो वही अनुभूति हुई थी जब किसी भक्त को भगवान में उसकी भक्ति में जब वो विलीन हो जाते हैं, तो शायद ऐसी अनुभूति होती होगी। उस साधना की मुझे अनुभूति हुई, और उस मंच पर मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ, ये मेरा आगे मार्ग जरूर मुझे फॉलो करना चाहिए। थैंक यू आरती जी. आपने अपनी कला के अंदर एक जो स्पिरिचुअलिटी देखी है, तो वो आगे जाकर आपको आपके जीवन में बहुत सारी कहना चाहिए कि एक ऐसे मुकाम पे जाके आपको वहां पे एक खड़ा किया है. मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आप इंडिया से किस तरह से माइग्रेट हुई है ऑस्ट्रेलिया, और किस तरह से आपका ये सफर आगे बढ़ा. मेरी शादी 22 साल की उम्र में हो गई थी, और उसके बाद मेरे पति और मैं, हम दोनों ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हुए। और किस तरह से हुई, ये तो शायद मुझे नहीं पता। हम लोगों ने, जब मेरी सगाई हुई थी, उसके बाद मेरे पति और मैं, हम दोनों ही ये चाहते थे। हम दोनों मेडिकल प्रोफेशन से हैं, और हम दोनों और इस प्रोफेशन को आगे एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे आएंगे, और सन 2007 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए थे। और
मैंने वाइल्ड ड्रीमर प्रोडक्शंस और नाइन एक्सप्रेशंस 2017 में शुरू किया। उसके पहले 2007 से लेके 2017 तक मैं मेडिकल की पढ़ाई, मेडिकल में मेरा जो जॉब है वो करती रही। उसके बावजूद मैं अपना आर्ट्स जो है उसमें अलग अलग प्रकार से कुछ क्लासेस सिखाकर, कुछ कोर्स शुरू कर और कुछ खुद को भी जो वेस्ट में जो आर्ट्स है उसको पूरी तरह से समझने में मैंने अपना समय लगाया। और जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं जो मेरे पास है उसको भी आगे अब बड़ा कर सकती हूँ, तब हमने 2017 में वाइल्ड रिमर प्रोडक्शंस एंड नाइन एक्सप्रेशन शुरू किया। ओके आरती जी, मैं दर्शकों को यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगी। आरती जी भारतीय कला के साथ साथ एक मेडिकल प्रोफेशन में भी है। वो ऑस्ट्रेलिया अपने मेडिकल प्रोफेशन के साथ ही गई थी यहाँ से, और वहां जाके उन्होंने इंडियन आर्ट के साथ कुछ एक फ्यूजन वर्जन हम लोगों के सामने रखा है। तो जो अभी आपका पूरा टीम है नाइन एक्सप्रेशंस का, वाइल्ड ड्रीमर प्रोडक्शंस का, वो टीम, आपके आर्टिस्ट, वो सब कहाँ से आप सिलेक्ट करती हैं? उनकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है? जी, हमारे मोस्टली आर्टिस्ट और मोस्टली कोलैबोरेटर्स यहीं से होते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। अनटिल अनलेस कोई ऐसा हमें, जैसे हम हमारा एक शो जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन जो था वाइल्ड रिवर में, उसका नाम मीरा है, हमारी मीरा बाई की कहानी है। तो उसमें म्यूजिक और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग वो सब हमने इंडिया से कोलैबोरेट किया था। पर उसके अलावा जितने भी आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, सेट डिजाइनर्स हैं, या हमारे क्रू मेंबर्स हैं, सब कुछ यहाँ से, ऑस्ट्रेलियन कंट्री से है। और उनकी कैसा ट्रेनिंग वर्जन तो आपके बता सामने जी रहे, सॉरी, तो ये कैसा वर्जन आपके सामने आता है जब आप एक इंडियन और ऑस्ट्रेलियन लोगों के बीच जो ट्रेनिंग का एक नया वर्जन सामने रखते हैं? किस तरह से जो एक इंडियन आर्टिस्ट इंडियन आर्ट को प्रेजेंट करता है, वहां के लोग किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? कैसा कुछ नया रूप सामने आता है? सच ये है कि इंडियन सभ्यता को विदेश में ज्यादा सराहा जाता है। उन्हें जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं, अगर आप उन्हें आपकी कहानी या आपकी कला के बारे में जब आप उन्हें बात करते हैं, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करते हैं या उनको बताने की कोशिश करते हैं, दे आर रेडी। वो जानना चाहते हैं, और उनमें वो रिस्पेक्ट भी है। सिर्फ प्रॉब्लम इतना ही है कि हम दिखाना ही नहीं चाहते हैं। हम ही अपने आप को, मुझे लगता है कि हमने ही हमारे इंडियन आर्ट्स को भुला देने का निर्णय ले लिया है। इसीलिए हम इसे प्रचलित नहीं करते हैं। इट्स ब्यूटिफुल इंडियन कहानियां। हम तो कहानी कहने, मतलब इंडियन आर्ट्स या इंडियन लोग तो बहुत पुराने कलाकार हैं, बहुत पुरानी कहानी कहने के लोग हैं। और हम जब विदेश में आए या कहीं और जाएं, जब हम हमारी कहानी प्रस्तुत करते हैं, हमारा वर्जन प्रस्तुत करते हैं, बहुत बहुत ही इजीली उसको एक्सेप्ट किया जाता है। इट्स ब्यूटिफुल। उसका जो समावेश, जैसे हमारा जब मीरा हमने बनाया था, तो मीरा में मैंने कहानी उसकी 5 साल की उम्र से लेकर जब तक मीरा मीरा ग्रोन अप नहीं हो जाती तब तक की कहानी है। तो उसमें हमने तीन मीराएं अलग अलग उम्र में ली हैं और तीन कृष्ण हमने अलग अलग उम्र में लिए हैं। तो हमारा जो कृष्ण 5 साल का था वो नॉन इंडियन है, मतलब ऑस्ट्रेलियन है, और मीरा इंडियन स्किन की थी। जो टीनेज मीरा है, जो 12-13 साल की मीरा थी, वो नॉन इंडियन स्किन टोन की थी, और जो कृष्ण था वो भी नॉन इंडियन था। और जब बड़े हुए तो दोनों, मीरा और कृष्ण, इंडियन फेस कलर के थे। पर जब आप उन्हें स्टेज पर देखेंगे तो सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं। वो रंग भेद वो सब कुछ मिट जाता है। और यही तो कला की सबसे बड़ी ताकत है कि वो सारे भेदों को मिटा देती है और सिर्फ कहानी मेन हीरो बन जाता है।
आरती जी, आप बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से या विदेशों में इस तरह से कला का सम्मान किया जाता है, तो भारतीय कला को आप भारत में किस स्तर पर देखती हैं? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप 10 बॉलीवुड एक्टर्स का नाम मुझे बताइए। आई एम श्योर आप एक भी मिनट नहीं लगाएंगे और आप 10 10 नाम ऐसे बता देंगे। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे 10 क्लासिकल आर्टिस्ट के नाम बताइए, किसी भी श्रेणी का क्लासिकल आर्टिस्ट हो, पर आप मुझे 10 नाम बताइए, तो शायद मुश्किल होगी, शायद मुश्किल होगी, और मोस्टली इंडियंस के लिए मुश्किल होगा। तो यही हमारी कमी है, हमारी कला को हमने ही इस बुरी तरह से खत्म कर दिया है। वो ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ फिनिशिंग है। हमारी ये आदत है, जो बिकता है हम वही बेचते हैं। हमें पता चल गया है कि बॉलीवुड बहुत कमर्शियल है। बॉलीवुड से कोई तकलीफ नहीं है, हम भी बहुत बॉलीवुड पिक्चर्स देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां उसमें भी कही जाती है, पर बॉलीवुड इज लाइक क्रिकेट। क्रिकेट एक बहुत अच्छा खेल है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट ही एक खेल है, बहुत सारे और भी खेल हैं जो बहुत अच्छे हैं और उसमें भी उतनी ही मेहनत लगती है। उसी तरह से बॉलीवुड एक माध्यम है कहानी कहने का, उसी तरह से और बहुत सारे हमारे ऐतिहासिक और बहुत उम्दा आर्ट्स हैं हमारे पास, जिनके जिनमें बहुत मेहनत लगती है और हम उसे भूल चुके हैं। उनमें बहुत गहरे महत्व है, मीनिंग है, उसको हमने खत्म कर दिया है क्योंकि वो बिकता नहीं है, वो बहुत थोड़ा बोरिंग हो जाता है। हम ऐसा मानते हैं, इसीलिए हम ऐसा मानते हैं, इसलिए हमारे बच्चे नहीं सीखते हैं। और फिर हम जैसे लोग जब बाहर जाते हैं, हम भी फिर सिर्फ यही मानसिकता रखते हैं, जो बिकता है हम वही बेचेंगे। तो यदि आप यहाँ भी देखेंगे तो क्लासिकल, अगर आप किसी भी विदेशी को नॉर्मल जाके पूछें इंडियन आर्ट्स के बारे में, आप कुछ बोलेंगे भी नहीं, उसके पहले वो ऐसे हाथ ऊपर कर देंगे और वो ऐसे हाथ हिलाने लग जाएंगे और बोलेंगे, ओ यू डू बॉलीवुड डांसिंग। आप बॉलीवुड डांसिंग करते हैं, इंडियन आर्ट्स इज इक्वल टू बॉलीवुड डांसिंग। और वो भी उनके दिमाग में एक ऐसी छवि है कि अतरंगे कपड़े पहन के, चमकीले कपड़े पहन के, जो जोर जोर से किसी भी जोर जोर के गाने पे डांस करते हैं, उसे वो इंडियन आर्ट्स है। ये एक एक ऐसी छवि है, और उस छवि को जब तक हम नहीं मिटाएंगे, हम नहीं अपनी बात बताएंगे कि हमारा कला कितना ऊंचे स्तर का है, उसकी उसकी गहराई को नहीं समझा पाएंगे हमें खुद को। विल हैव टू स्टार्ट बाय आर ओन सेल्स। तो इंडिया में मैं कहाँ इंडियन आर्ट्स को देखती हूँ, बहुत ही बुरी अवस्था में देखती हूँ। आप आज अगर पूरे परिवार को एक मूवी देखने जाएंगे, और मैं आपको बहुत क्लियर एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पर आप यदि कोई एक मूवी देखने जाए, कोई पिक्चर देखने जाए थिएटर में, एक टिकट $10-12 में आपको मिल जाएगी। पर यदि आप एक स्टेज शो देखने जाएं, एक लाइव थिएटर, लाइव म्यूजिक का शो देखने जाएं थिएटर में, तो वो करीबन $50 से $100 के बीच में आपको टिकट मिलेगी। पर यदि हम इंडिया में एक मूवी देखने जाएं, तो आप आराम से एक टिकट के 1,000-2,000 रुपए सब परिवार जाकर देखेंगे, और उसमें कितना भी रुपया लगेगा आपको चलेगा, ब्लैक में भी टिकट खरीदेंगे कई बार। पर यदि आप मुझे बताइए, लास्ट टाइम अपने एक लाइव शो के लिए 1,000-2,000 रुपए देकर आपने कहीं पे जाकर शो देखा हो, और यदि या तो हम जाते ही नहीं है, या किसी ने हमको फ्री में टिकट दी हो, या किसी जान पहचान के लोग का किसी का कुछ हो रहा हो, तो बस उतना ही। तो हम खुद बता रहे हैं कि हमने हमारी सभ्यता को या हमारे कलाकारों को कहाँ बिठा के रखा है और उसकी क्या फ्यूचर है। यू आर एब्सोल्युटली राइट आती जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। भारत में एक्चुअली पर्सनली भी देखा जाए तो यही चीज है, लोगों की टेंडेंसी और जो आकर्षण है बॉलीवुड की तरफ ज्यादा है। जो आपने बताया बिकता है वही चीज हो रही है यहाँ पे। लेकिन जो भारतीय कला और संस्कृति है, एक तरह से हमारी धरोहर है हमारे देश की। इसको हम कला संस्कृति से भी ज्यादा एक धरोहर, धरोहर को आपको जब तक आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन नहीं करेंगे तो बीच में कहीं स्किप हो जाएगी वो। तो इसको जितना जी इससे भी ज्यादा, सिर्फ पास ऑन करने से भी ज्यादा,
मैं ये मानती हूँ, जिस तरह आपने कहा धरोहर, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपके पास एक आपके पुश्तैनी कोई कंगन या कोई बहुत बड़े बड़े हीरो वाला मोटे सोने से जड़ा कोई एक बड़ा सा कंगन हो, जिसकी बहुत कीमत हो पैसे से भी, और वैल्यू जो भावनाएं हैं वो भी उससे बहुत जुड़ी हुई हो, और कई जनरेशन से वो चला आ रहा है, अब वो आप तक पहुंचा, और अब आपके पास पहुंचा और आपने बोला कि ठीक है मैं अपने बच्चे को दे दूंगी। आपने दे दिया उसे, पर उसमें से कुछ हीरे निकाल दिए, क्योंकि आपको लगा कि मैं थोड़े छोटे मोटे मॉडर्न इयररिंग्स भी बना लेती हूँ, कुछ बना लेती हूँ, बाकी का उसको दे दूंगी, इतना मोटा कौन कोई पहनता है आजकल। तो वैसे ही आपने उस कंगन की कीमत को कम कर दिया, बिखेर दिया। फिर जब वो कंगन उस सामने आपने नेक्स्ट जनरेशन को पास किया, तो दो बातें हुई। एक तो आपको खुद को ही इस कंगन का महत्व नहीं पता था, इसीलिए आपने उसको तोड़ने की कोशिश की। दूसरी, उस आने नेक्स्ट जनरेशन को ये जरूर पता चल गया कि भाई इस जनरेशन वाले ने भी तो इसके साथ छेड़छाड़ की है, तो मैं भी कर लेता हूँ, इसकी कोई कीमत नहीं होगी। तो सिर्फ पास ऑन करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसकी कीमत को समझें और आगे भी उस कीमत को उसी तरह से समझाएं, ताकि वो बरकरार रहे, वो सुरक्षित रहे। हम जिस तरह से हमारे धन को सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह से हमारी कला, हमारी सभ्यता भी हम संजो कर रखना है, उसे सही तरीके से समझाकर आगे बढ़ाना है। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। धरोहर को संजो के रखना ज्यादा जरूरी है, तब जाके हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। भारत पूरे विश्व में अपनी अलग अलग कलाओं को लेके बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत ही कम आर्टिस्ट मिलेंगे आपको यहाँ पे। और जो आज की युवा पीढ़ी है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, वो बहुत ज्यादा आकर्षित है विदेशी संस्कृति की तरफ। तो आज हम यहाँ आपसे यही बातचीत करना चाहते हैं कि जब आपने ये सफर शुरू किया, वो भी भारतीय कला को एक विदेशी भूमि पर, तो किस तरह के चैलेंजेस भी आपके सामने आए होंगे। और हालांकि आप एक मेडिकल प्रोफेशन में भी हैं साथ ही साथ, तो आपने दो डिफरेंट प्रोफेशन में से भी इस प्रोफेशन को किस तरह से इतना एक्सपांड किया है, तो वो सारे चैलेंजेस भी हम यह जानना चाहते हैं। चैलेंजेस हर सफल में होते हैं, हर सफर में होते हैं, और मैं ये कहूंगी कि मेरी ट्रेनिंग बचपन से ऐसी की गई है कि मुझे चैलेंजेस मुश्किल नहीं लगते, आकर्षित करते हैं, मुझे एक्साइटिंग लगते हैं, मुझे यस इट इज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। आज हमारे देश में ही अगर हम यंग जनरेशन को हमारी इंडियन आर्ट्स के बारे में समझाने की कोशिश करें, तो वो ही इतना मुश्किल है। तो किसी और भूमि पे आकर हमारी कहानी को कहना या हमारी आर्ट फॉर्म को दर्शाना, समझाना मुश्किल है। बट मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से ये सिखाया है कि जिस चीज में आप विश्वास करते हो, चाहे कोई समझे या ना समझे, आप लगे रहो, चलते जाओ, अपने आप चीजें अपने आप दिल फॉल इन प्लेस, और बस वही हुआ है। वी've बीन ट्राइंग, और हमें काफी अच्छी प्रशंसा और काफी एक्सेप्टेंस मिली है अभी तक। पर ये सब मैंने कैसे किया यहाँ आने के बाद, तो ये बहुत गलत होगा कि अगर मैंने कहा कि ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से किया। जिस तरह से बचपन में माँ बाप के सहयोग के बिना बच्चा आगे नहीं बढ़ता है, या वो सब कुछ नहीं पा सकता है, अपनी बुद्धि का पूरा विकास नहीं कर सकता है जब तक कि उनकी माँ बाप उनके साथ हो और उनके उनकी सुरक्षा करे और उनको सही दिशा में दिखाए, उसी तरह से जब आप विवाहिक जीवन में होते हैं, तो आपके पास जब तक आपके पति का पत्नी के पास और पत्नी का पति के पास जब तक वो सपोर्ट नहीं होता है, आप वो सब कुछ नहीं पा सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। तो ये जो मेडिकल और आर्ट्स प्रोफेशन का बैलेंस मेरे जीवन में कैसे चलाती हूँ मैं, मेरे दो छोटे बच्चे भी हैं, ये सब कुछ मैं नहीं कर पाती या नहीं कर सकती हूँ आज भी, अगर मेरे हस्बैंड, मेरे पति पवन मेरे साथ 100% सपोर्ट ना करते या ना कर रहे होते अभी। तो मैं बहुत लकी हूँ कि
मेरे पास ऐसा एक जीवन साथी है जो समझता है कि मेरे सपने भी उतने ही मायने देते हैं जितना कि ये परिवार, और हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर कर इस बैलेंस को और हर चैलेंज को पार करते हैं। आरती जी, वैसे हर औरत की लाइफ में ऐसा कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमको अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते अपने करियर को साइड में रखना पड़ता है। तो आप बता रहे हैं आपके हस्बैंड ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, इट्स रियली वंडरफुल। मेडिकल प्रोफेशन में कितना टाइम दे पाते हैं आप इन सबके साथ? चैलेंजेस आते हैं तो उसमें एक कहानी मैं अपने बचपन की आपको बताती हूँ। मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, और मुझे एक नेशनल कंपटीशन में मेरा सिलेक्शन हो गया था और मुझे कैलकटा जाना था, और हम सूरत गुजरात में रहते थे। तो उस समय आप प्लेन में नहीं जाते थे, उस समय आप 2 दिन का जर्नी करके जाते थे ट्रेन में। और मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, मेरे एग्जाम्स बहुत नजदीक थे, और आपको पता है इंडिया में 10th और 12th स्टैंडर्ड मतलब बाकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो मैं गई थी और मेरी मम्मी मेरे साथ गई थी। तो जब मैं गई तो उन्होंने कहा आप थोड़ी किताबें साथ में ले चलिए, रास्ते में आप पढ़ते रहना। तो ऐसे ही जब मेरी बात चली मम्मी से और मैंने कहा कि मुझे आर्ट्स में ही रुचि है तो मैं सिर्फ वो ही क्यों ना करूं, तो उसने कहा जिस बात को मैं आज दिन तक अपने साथ रखती हूँ कि यदि आर्ट्स को अपनी जिंदगी में हमेशा बरकरार रखना है तो अपने पास एक ऐसी डिग्री रखो, एक ऐसा तरीका रखो, एक ऐसी चीज रखो जिससे आप हमेशा बहुत अच्छा पैसा कमा सके। एक ऐसी डिग्री हमेशा अपने पास होनी चाहिए जिससे आप, नहीं तो जब आप बड़े होंगे, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, बच्चे होंगे, तो पहली चीज जो आपसे कही जाएगी अब इस चीज को खत्म कीजिए वो आर्ट्स होगी। क्योंकि यदि आपके पास में वो कैपेसिटी नहीं है अपने पैशन को सपोर्ट करने के लिए तो आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, उसे बरकरार नहीं रख पाएंगे। इसीलिए मेरे पास आज यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट या मैं किसी को भी पढ़ाती हूँ डांस में या आर्ट्स में, तो मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि अपने पास अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, एक ऐसी डिग्री जरूर रखिए कि आप अपने पैशन को सपोर्ट कर सकें। तो उसके वजह से मैं अपने आप की जिंदगी में ये बैलेंस को बहुत महत्व देती हूँ। मैं आज भी यहाँ पे 9 to 8 to 5 मंडे टू फ्राइडे रेडियोलॉजी प्रैक्टिस में एज ए मेडिकल सोनोग्राफर काम करती हूँ, और उसके बावजूद हमारी जो 2 कंपनियां हैं वो हम चलाते हैं आर्ट्स प्रोडक्शंस की, पर वो मेडिकल जो पार्ट है वो मेरे लिए वो बात है जो मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में बताया था। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने अपनी लाइफ में दो अलग अलग प्रोफेशन को बैलेंस किया हुआ है और बहुत ही एक सुंदर एग्जाम्पल सबके सामने है। मैं यहाँ दर्शकों को कुछ अचीवमेंट्स आपके बताना चाहूंगी यहाँ पे कि कितने विदेशों में इतने बड़े बड़े सम्मान से आपको पुरस्कृत किया गया है, तो वो हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। यहाँ पर हाल ही में इसी साल 2020 में भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं आपको। हार्ट ऑफ द वुमेन अवार्ड 2020, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया डे अवार्ड 2020, प्रेस्टीजियस इंडियन ऑफ द ईयर 2020, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स 2019, इंटरनेशनल वुमेन्स डे फेस्टिवल 2020 की भी आप फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। गोल्ड कोस्ट वुमेन ऑफ द ईयर की भी आप फाइनलिस्ट रह चुके हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया बिजनेस एंड कम्युनिटी अवार्ड्स की भी आप फाइनलिस्ट रह चुके हैं। 19 यूनेस्को फेस्टिवल में 2004 में इंडिया को आपने रिप्रेजेंट किया है। आरती जी, विदेशी धरती पर विदेशी सरकारों द्वारा भारतीय कला के लिए इतने अच्छे और सम्मानित पुरस्कार जब आपको मिलते हैं तो किस तरह का गर्व महसूस होता है? मुझे ऐसा महसूस होता है कि इंडियन आर्ट्स को अवार्ड मिले हैं, तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि मुझे मिला है। मैं ये मानती हूँ कि जो हमारी मेहनत आर्ट्स की तरफ है, इंडियन कहानियों की तरफ है,
उन्हें ही अवार्ड मिला है, तो अच्छा लगता है। और ऐसा एक ऐसी होप मिलती है कि ये खत्म नहीं होगा, ये आगे चलता रहेगा। दैट्स वेरी नाइस। हालांकि ये सारे सम्मान अपने आप में एक प्राउड मोमेंट रहे होंगे आपके लिए, लेकिन इसमें से कोई ऐसा विशेष है आपके लिए कि जब वो लगा लाइफ का कि हाँ ये अभी बहुत ही अलग चीज है? जी, इस साल 26 जनवरी को, जिस तरह इंडिया में रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी को, उसी तरह से यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया डे भी 26 जनवरी को होता है। तो इस साल जब मुझे ऑस्ट्रेलिया डे अवार्ड मिला ऑस्ट्रेलियन सरकार से गोल्ड कोस्ट में, तब बहुत अच्छा लगा। दैट वाज द अवार्ड जब मुझे लगा कि हाँ, इंडियन आर्ट्स को, एक इंडियन आर्टिस्ट को ये अवार्ड मिला है, तो मेरे इंडियन आर्ट्स को अवार्ड मिला है। कंग्रेचुलेशंस। आरती जी, हम ये जानना चाहते हैं, जो मीरा आपका सबसे पॉपुलर शो है, तो आप उस शो को लेके कभी आपने इंडिया के लिए प्लानिंग करा है कि जो विदेशों में इतना ज्यादा प्रचलित हो चुका है सोशल मीडिया पे? मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का कोई ऐसा चैनल नहीं रहा होगा, या फिर काफी और देशों में भी आप मीरा को लेके शोज किए हैं आपने, तो इंडिया में कभी आपने रुख नहीं किया अपने शो को लेके? जी, किया था, कोशिश की थी। मैं पिछले 2-3 बार, 2-3 साल जब इंडिया आई, जब भी आई थी दौरे पे, तो हम मिले, कई लोगों से मिले, जो लोग प्रोडक्शंस लाते हैं, या एक्सक्यूज मी, जो कुछ जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी हैं, उनसे पूछा। तो सब जगह मुझे सिर्फ 2 ही आंसर मिले कि इंडिया में लाइव थिएटर का बहुत स्कोप नहीं है, और यदि हो भी, जो जो 2-4 शोज जो चले हैं इंडिया में, उसके लिए आपको 2 चीजें जरूरी है। या तो किसी बॉलीवुड हस्ती का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए कंपलसरी, या फिर आपको किसी बड़ी बिजनेस एंटिटी जैसे रिलायंस या टाटा या जो भी बड़ी एंटिटी है, वो आपके साथ में हो, कोलैबोरेट हो, तो ही आपका शो चलेगा, नहीं तो यहाँ इंडिया में नहीं चलेगा। बहुत दुख की बात है, मेरे ही इंडिया की कहानी में, मेरे इंडिया में नहीं दिखा सकती, पर मैं पूरी दुनिया में इसे दिखा सकती हूँ, और उसकी मांग है, उसको यहाँ पे, मैं कंप्लीटली एलियन कंट्री में, कंप्लीटली डिफरेंट कंट्री में, हम ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में भी गए थे, हम एक इंडिपेंडेंट आर्ट्स कंपनी है, मेहनत लगती है, पर आपके पास सारे चैनल अवेलेबल होते हैं, आप थिएटर बुक कर सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं, और लोग आकर आपको देखेंगे, टिकट खरीदेंगे, आपका शो देखेंगे। वेयर इज इन इंडिया, हमारे इंडिया की ही कला, इंडिया की ही कहानी, और हम हमारे आर्टिस्ट को नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें बॉलीवुड एक्टर नहीं है। की बात है आरती जी। जब हम भारतीय कला और संस्कृति की बात करते हैं, आप बड़े बड़े जहाँ पे समारोह में जाते हैं, किसी भी स्पर्धा में जाते हैं जहाँ पे भारतीय कला को आपको रिप्रेजेंट करना होता है, वहां पे किस तरह का सम्मान मिलता है? और हमारे देश में शायद कहीं कहीं कुछ कमी है इन चीजों को लेके, तो आप जैसे यूनेस्को में आपने इंडियन आर्ट को रिप्रेजेंट किया था, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गई थी, वहां पे किस तरह का माहौल रहता है हमारे इंडियन आर्ट एंड कल्चर को लेके? लोगों का क्या नजरिया रहता है? देखिए, जो आम जनता है, जो जानती नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं उनकी गलती नहीं मानती हूँ, मैं हमारी गलती मानती हूँ कि हमने जो बिकता है हम वही बेचते हैं। तो कई सालों से इंडियन आर्ट्स के नाम पे, हम यहाँ पर भी यदि आप देखें तो बहुत लोग बॉलीवुड के नाम पर हमारे कला को बेचते हैं, क्योंकि वो इजी है, और गोरो, आई मीन द वेस्टर्न कल्चर फॉर देम, उनके लिए भी बहुत आसान है ना, नाच गाना, थोड़ा सा ड्रेसअप होके पार्टी में इंडियन थीम बनाकर बॉलीवुड डांस करना, इट्स अ पार्ट ऑफ फन, तो उनको लगता है यही इंडियन आर्ट्स है। तो जो आम जनता है, उनके लिए इंडियन आर्ट्स का मतलब सिर्फ हाथ हिलाना और कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े पहनना इज इंडियन आर्ट्स। पर जब हम
प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं और जब हम बात करते हैं और हमारी कला के बारे में हम बताते हैं तो हमें बहुत सम्मान मिलता है। और एज आई सेड, जो प्रॉपर आर्टिस्ट है वो उसे रिस्पेक्ट से देखते हैं और दोनों हाथ को खोलकर हमारा सम्मान करते हैं और हमें एम्ब्रेस करते हैं। वेयर इज आम जनता में इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि हमने उसे इसी तरह से बेचा है बहुत सालों से। जी, तो आपका ये मीरा का जो फर्स्ट शो था वो कैसा रहा था, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा? हमारा शो हाउसफुल था। हम बहुत हमें नहीं पता था कि इसका क्या आउटकम होने वाला है। एक एक 16वीं सदी की नॉर्थ इंडिया की कहानी, जहाँ पे एक एक इंसान एक ईश्वर से प्रेम करता है। ऐसी कहानी विदेश में, जहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जहाँ किसी को पता ही नहीं कि मीरा कौन है और कृष्णा कौन है, ऐसी कहानी को विदेशी रूप में ढालना, उसे ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्शंस इंग्लिश में होते हैं क्योंकि हम उन्हें ऐसे बनाते हैं कि जो कहीं पर भी पूरी दुनिया में उसे ले जाया जा सके। मुश्किल था, इट वाज डिफिकल्ट। मुझे नहीं पता था कि इस कॉन्सेप्ट को भी कोई समझ पाएगा या नहीं, बट टू आर सरप्राइज इसे बहुत प्यार से लोगों ने एक्सेप्ट किया। चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अभी भी हैं, पर जो हमने इसके साथ में जो एक्सपेरिमेंट किया, वी वर वेरी हैप्पी और हमें बहुत अच्छा लगा कि कितनी जो विदेशी लोग हैं वो तैयार हैं नई चीज को समझने के लिए, अपनाने के लिए। और वो चाहे भारत की संस्कृति हो या कहीं की भी संस्कृति हो, वेर एज हम जो हैं हमारे खुद की संस्कृति को भी समझने से नकारते हैं। जी आरती जी, आपने अभी जो बताया कि हमको ये खुद की संस्कृति के लिए भी यहाँ कम जागरूकता मिलती है, अगर आज की युवा पीढ़ी में कोई भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहे तो आपके क्या सजेशंस रहेंगे? सजेशंस युवा पीढ़ी के लिए भी और माँ बाप के लिए जी ऑफ भी। कोर्स, युवा पीढ़ी के लिए ये कि जो मेरी मम्मी ने कहा था, जो मेरी माता ने मुझे कहा था कि पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है, और साथ में आप अपने जो भी दूसरा पैशन है उसको भी आप बरकरार रखिए और उसे दोनों को साथ में चलाते जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि जीवन में कौन सा पड़ाव, स्पेशली विद आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, जैसा कहा जाता है। कई बार मेरे पति भी इस बात को बोलते हैं कि आर्ट्स और स्पोर्ट्स इज ऑल और नन, या तो सब मिल जाता है उस उन दोनों क्षेत्र में, या कुछ नहीं मिलता है। और जो सब जिन लोगों को मिलता है वो मुट्ठी भर लोग होते हैं, और जो बाकी जिनको कुछ नहीं मिलता वो बहुत सारे होते हैं। तो हमें ये मान के ही नहीं चलना चाहिए कि हम मुट्ठी भर लोगों में हैं तो हमें सब मिल जाएगा, तो हम पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देते हैं और हम सिर्फ एक ही चीज में। आपकी मर्जी है, यदि आपको वही ठीक लगे तो आप कीजिए, और आप यदि आपके माता पिता को भी ठीक लगे तो कीजिए, पर जो मेरे लिए काम आया है जिंदगी में वो ये है कि आप हमेशा पढ़ाई भी साथ में रखिए और अपना पैशन और अपनी जो दूसरी आपको जिस भी क्षेत्र में जाना है उसकी तरफ भी अपने आप की एंड्योरेंस को बढ़ाइए, अपनी कैपेसिटी जो है जीवन की उसको बढ़ाइए। अपने आप को खाली 9 to 5 जितना मत रखिए, 9 to 9 कीजिए अपना काम। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी और नई पैशन को भी एक्सप्लोर करना है, और कई बार पढ़ाई आपको जब आप पढ़ रहे हैं किसी और पैशन के साथ, वो आपके लिए बाधक नहीं बनेगी, वो आपको इंटेलिजेंट ही बनाएगी। जब आप पढ़े लिखे आर्टिस्ट बनते हैं तो आपका शोषण कम होगा, आपको मूर्ख कम बनाया जाएगा, आपको पता रहेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप हर चीज में लॉजिक ढूंढेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई से। आप पढ़ाई को आगे जाकर आप कुछ यूज करें या ना करें, पर पढ़ाई हमेशा आपको एक एक बाकी सारे क्राउड में अलग बनाएगी। जब आप
किसी भी और फील्ड में जाएंगे, चाहे आप एक्टर हैं, डांसर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, फैशन डिजाइनर हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास एक और डिग्री अगर है प्लस आपके पास आर्ट्स डिग्री है, तो आप में आपके पास में ज्यादा पॉइंट्स होंगे आपके पास जिंदगी के लिए। और दूसरी बात यह है माता पिता के लिए कि जो जो सृष्टि होती है, कोई भी सृष्टि का जो बैलेंस होता है, यदि मैं कह दूं कि अग्नि भी पानी दे और पानी भी पानी दे, तो क्या हमारा सृष्टि चलेगा? अग्नि का तत्व है जलना, पानी का तत्व है पानी के रूप में उस प्यास को बुझाना या पानी का तत्व में रहना। हर चीज का एक तत्व होता है, उसी तरह से हर इंसान का भी एक अपना एलिमेंट होता है। तो यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, समझिए कि आपको गुलाब जामुन खाना ही आपकी जिंदगी का मकसद है, पर मैंने आपको जिंदगी भर करेला खिलाया, तो जिस दिन आपको गुलाब जामुन मिलेगा, दो बातें होंगी, या तो आप गुलाब जामुन से इतना नफरत करने लग गए हैं जिंदगी भर आपको मिला नहीं इसीलिए, कि फिर जब भी गुलाब जामुन आपके पास आएगा तो भी आप नफरत करेंगे, या किसी और के पास गुलाब जामुन होगा तो आप उस इंसान से भी नफरत करेंगे और उसको भी खत्म करने की कोशिश करेंगे, या फिर जिस दिन आपको गुलाब जामुन मिलेगा आप उस पर इस प्रकार टूट पड़ेंगे कि आप उसका अस्तित्व जी खत्म कर देंगे। और यही हमारे समाज में हो रहा है। हर इंसान को डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, हर इंसान को वही नहीं बनना है जो आप समझते हैं कि सही है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि माँ बाप अपनी एक्सपीरियंस को ही अपने बच्चों के पास ले जा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आप ये बनिए, ठीक बात है। मैं आज भी मेरी कोई भी बात को, अगर कुछ भी मुझे करना है, तो मैं आज भी अपने माँ बाप से सलाह लेती हूँ, पर सलाह तक उन्हें अपने बच्चों का तत्व समझना भी बहुत जरूरी है और उसको भी आगे बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बच्चा अलग होगा, मेरे दो बच्चे हैं और दोनों कंप्लीटली अलग हैं। जो मैं समझती हूँ कि पढ़ना बहुत जरूरी है, उसमें मैं जरूर ध्यान दूंगी, पर उनके खुद के जो तत्व हैं उन्हें मैं खत्म नहीं करना चाहती, उन्हें भी बन पाना चाहती हूँ। उससे समाज में एक संतुलन रहेगा, इंसान सब खुश रहेंगे और अपनी अपनी श्रेणी में सब एक नया संसार बनाएंगे जो संतुलित होगा, जो प्यार से भरा होगा। हमारे दुनिया में, देश में, खाली इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में जो इम्बैलेंस है, पॉलिटिकल इम्बैलेंस है या सामाजिक इम्बैलेंस है या जो भी पारिवारिक इम्बैलेंस है, मेरे हिसाब से उसका मेन कारण ये एलिमिनेशन ऑफ तत्व है। जी, आरती जी बहुत अच्छे से आपने बताया है कि आज के बच्चों में भी हमें ये पेरेंट्स को जानना बहुत जरूरी है कि हर बच्चे का अपना खुद का एक टैलेंट होता है, उस टैलेंट को ग्रो करना बहुत जरूरी है। स्कूली पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन उसका करियर, उसके अंदर के जो कंटेंट है, उसका जो टैलेंट है, उस चीज को हमेशा हमको हमारे साथ में लेके उन चीजों को पॉलिश करना पड़ेगा। आपके जो एक आर्टिस्ट होता है उसके लिए फिटनेस कितनी जरूरी होती है आरती जी? मतलब डे टू डे लाइफ में आप लोगों को किस तरह की योग साधना या फिर किसी भी तरह की फिटनेस को लेके आपको क्या कंसिड्रेशन करना पड़ता है? मेरे आर्टिस्ट के लिए तो फिटनेस बहुत जरूरी होती है, पर मेरे हिसाब से हर इंसान के एक्चुअली लिए आरती जी, एज फिटनेस आई सा यू मोस्ट ऑफ टाइम ऑन फेसबुक, मतलब आपका जो फिटनेस का जो फंडा, मतलब इट्स वाज अमेजिंग। जो मॉर्निंग में 4 o'clock उठना और वो इतना सारा वर्कआउट करना, तो वो आपका पैशन है कि एक आर्टिस्ट की जरूरत है? शुरुआत में जरूरत थी, अब पैशन है, अब बीमारी बन चुकी है। अब अगर मैं अगर हर दिन का मेरा कसरत ना करूं तो मुझे खाना नहीं भाता है। बट मेरे हिसाब से सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, हर इंसान के लिए, और शायद मैं ऐसी सभ्यता में यहाँ रहती हूँ तो मुझे ज्यादा इसका एहसास होता है। हमारे पास में जो पेशेंट आते हैं वो 80, 90, 100 साल के भी होते हैं, और यहाँ पे ये कल्चर है कि हर इंसान अकेले ही रहता है इवेंचुअली, तो वो 80 साल का है चाहे 100 साल का है, उसका ध्यान वो खुद रख रहा है।
नर्सिंग होम्स में भी अगर चले जाते हैं, जो ओल्ड एज होम्स होते हैं, तो उन इंसानों को अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। और इसके वजह से मुझे ये इसका समझ में आया है कि इंसान की फिटनेस सो इम्पोर्टेंट। जब तक आपका शरीर हर दिन कुछ मात्रा में पसीना ना बहाए बुरी तरह से, आपने कसरत नहीं की, ये मेरा मानना है। खाली वॉकिंग करना, टहलना अच्छी बात है, जो भी आपके शरीर को सूट हो। बट आई स्टिल थिंक कि आपको जब तक बहुत तेज भूख ना लगे, तब तक आपका शरीर ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि आप ज्यादा खा रहे हैं। और जब तक आपका शरीर खूब बुरी तरह से पसीने में ओतप्रोत नहीं हो हर दिन, मतलब आपने आज मेहनत नहीं की, आपके शरीर का उपयोग नहीं किया। ओके, थैंक यू आरती जी. मुझे लगा ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हर इंसान के लिए जरूरी है, तो आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा जरूरत होती है फ्लेक्सिबिलिटी की. अभी आगे बढ़ते हैं आरती जी. एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो नाइन एक्सप्रेशंस परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड आपका वाइल्ड ड्रीमर प्रोडक्शन है, इनकी क्या फ्यूचर प्लानिंग्स है? मुझे नहीं पता। सच यही है कि मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं। और मैं बहुत बहुत ज्यादा लंबा प्लान नहीं करती हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं चाहती हूँ, जिस तरह से बहुत सारी बड़े बड़े प्रोडक्शन कंपनीज हैं, लाइव थिएटर में या लाइव शोज में, ब्रॉडवे, वेस्ट एंड, ओपरा हाउस, ये सब बड़ी जगहें मानी जाती है। वहां के अगर आप शोज देखें, जो साल 2 साल के उनके प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पे कई यूरोपियन कंपनियां होती है, पर भारतीय सभ्यता की कहानी कहने वाली जो कोई कंपनी या कोई शोज आपको मुश्किल से मिलेंगे, बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो शोज हम बनाएं वो लगातार दुनिया में तो टूर करें ही, पर उन जो मेन स्टेजेस पे हैं, वहां पे हम बाकी नामों के साथ हमारा नाम भी हर बार आता रहे। ये मेरी इच्छा है। जिस तरह से सर्क टू सुलेल तो अभी शायद आगे नहीं बढ़ रहा है, मुझे नहीं पता आगे क्या है, पर बहुत सारे बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन कंपनीज हैं। उस तरह से वाइल्ड रीमर प्रोडक्शंस भी एक ऐसी कंपनी बने, जिसे जिस तरह लोग बॉलीवुड के कंपनीज को जानते हैं, वैसे इसे भी जाने। इवेंचुअली हम धीरे धीरे स्क्रीन में भी आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीन मतलब मूवीज या शॉर्ट फिल्म्स, और वो सब भी हम इवेंचुअली बनाएंगे। पर मुझे नहीं पता। थैंक यू आरती जी, आपके सपनों के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम हार्दिक शुभकामना है. लेकिन हम चाहते हैं कि जो भारतीय कहानियां आप अपने शोज में दिखाती हैं, वो हम ऑस्ट्रेलिया आके देखें कि आप हमारे इंडिया में भी ये शो करें. कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग ये चीजें देख पाए और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को जरूर मोटिवेशन मिलेगा आपके इन स्टोरी से. अच्छा, एक और चीज आरती जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किन का रहा है? वैसे मुझे आपकी बातों मेरी से आपकी मम्मी का लग रहा है, ऑफकोर्स. पता नहीं, माँ नाम में वो चीज होती है. अगर हम अपनी मतलब लास्ट टू लास्ट जनरेशन भी देखें ना, माँ के अंदर ही वो तत्व होता है कि वो किस तरह का मोटिवेशन हमको देते हैं. वो एजुकेटेड हो नहीं हो कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन उनके अंदर वो एक मोटिवेशन हमेशा बच्चों के लिए एक प्रोत्साहन जरूर रहता है. अच्छा, मेरी सबसे इम्पोर्टेंट प्रेरणा सिर्फ मुझे माँ से मिलती है। पर मेरे जो 4 पिलर, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मेरी 4 ताकतें हैं, वो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे पति और मेरा भाई। ये 4 लोग ऐसे हैं जो मुझे पता है कि मैं चाहे कितनी बार भी गिर जाऊं, मुझे गिरने नहीं देंगे, और मुझे कंटिन्यूअस। मेरा भाई मुझसे छोटा है, फिर भी मुझे उससे जितनी प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है, वो शायद एक बड़े भाई से भी नहीं मिलती है। मेरे पति से मुझे फ्रेंड जो होता है उससे, मतलब जब मुझे उसको फ्रेंड चाहिए तो वो मेरा फ्रेंड है, जब मुझे प्रॉपर पति चाहिए तो वो मेरा पति है, जब गुरु चाहिए तो वो गुरु बन जाता है। मतलब ही इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग।
तो शायद बहुत लकी हूं मैं कि मुझे उनमें एक ऐसा प्रेरणा स्रोत मिला। मेरे पिता वो है जो मुझे हर वक्त जीवन को और कैसे अच्छा बनाया जा सके, मेरे सपनों को कैसे सामाजिक दृष्टिकोण मिले, वो मैं कंटिन्यूअसली मेरे पापा से सीखती हूँ। अगर आज भी मैं मेरे पिता से बात करती हूँ, अगर 5 मिनट भी बात कर रही हूँ, तो 4.5 मिनट तक वो मुझे सिर्फ जीवन और किस तरह से अच्छा बनाया जाए उसके बारे में बात करेंगे। बाकी के 30 सेकंड में 25 सेकंड वो ये बोलेंगे कि बच्चे कैसे हैं, बच्चों का ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, लास्ट के 5 सेकंड होते हैं कि अपना ध्यान कोइंसिडेंस विद मी, मेरे फादर का भी मेरे रखना। साथ कुछ इसी तरह का बॉन्डिंग है। उनका भी हमेशा यही रहता है, जब भी मिलेंगे, जब भी कोई बात करेंगे, एक लाइफ का फिलॉसफी हमेशा मुझे वो पास ऑन करेंगे। और मम्मी मेरी झांसी की रानी है। मुझे जितना भी मेरे अंदर जो वो वाइल्ड ड्रीमर वाला जो है ना, वो मेरी माँ से मिला है। बोलती कुछ नहीं है, वो बहुत कम शब्दों में अपना सारा सब कुछ बता देती है। फाइन, बहुत अच्छा लगा सुन के। आरती जी, हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं शायद, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं बोलने को। मैं अपने आप को ऐसा मानती नहीं हूं कि मैं किसी को कोई शिक्षा दे सकती हूँ। पर यदि आरती जी, सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। जो आपने बताया, आपकी मॉम ने आपको जो एक मोटिवेशन दिया है, कुछ भी, लेकिन आप अपनी लाइफ में जिन ऊंचाइयों पे पहुंची है, उसको देख के न सिर्फ आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को, आपके स्पाउस को, आपके किड्स को, उनको नहीं, हर एक भारतीय को गर्व होगा। आज अगर हम अपने नेशन की बात करें, तो आपने यूनेस्को में भारतीय कला को रिप्रेजेंट किया है। जहां पे आपने इंडियन आर्ट एंड कल्चर को इतनी ऊंचाइयों पे ले जाया, उसके लिए हर हर एक भारतीय को गर्व होता है। तो आपके पास बहुत कुछ है, आप अपना मैसेज दे, वो शायद पता नहीं कब किसके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है बॉलीवुड, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है बॉलीवुड। बॉलीवुड में कुछ बुराई भी नहीं है, लेकिन हमारा जो एक आर्ट एंड कल्चर जो बोलते हैं, भारत की एक धरोहर है हमारी संस्कृति, और किसी भी आर्ट से हम अपने देश का कल्चर बता सकते हैं। किसी भी देश के कोई भी आर्ट है, उस आर्ट से हम किसी भी देश की संस्कृति को लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। तो आपने बखूबी अपनी कला से मीराबाई की कहानी पेश की। शायद हो सकता है कि हमारे यहाँ पे लोग रोमियो जूलियट ज्यादा पसंद करते हो। कहते हैं ना कि दूसरी संस्कृति ज्यादा आपको प्रभावित करती है। तो बस यही आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने शो को दूसरे कंट्रीज की तरफ शो करने की कोशिश करें, तो इंडिया के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा फिर से। जरूर जरूर करूंगी पिंकी। अगर मुझे कुछ देना है, कोई यदि मेरी तरफ से कोई मैसेज है, तो वो भी मेरा नहीं है। कुछ मेरी मम्मी ने मुझे एक बार बताया था। ऐसी कोई परिस्थिति हुई थी कि मैं बहुत हताश हो गई थी, बहुत रोने लग गई थी। और मैंने कहा कि मेरे वजह से इतनी आपत्ति हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं ये करना ही छोड़ देती हूँ। मैं इस कला को ही छोड़ देती हूँ। तो मुझे आज भी याद है, मम्मी ने कहा था, हम लड़ रहे हैं ना, हमारा काम है ये करना, हम कर रहे हैं, तू क्यों इसमें अपने अपने आप को दोष देती है, या तू क्यों अपनी कला को छोड़ना चाहती है? आज यदि तूने अपने सपनों का साथ छोड़ दिया, तो हम सब तो हमारे भूल जाएंगे कि क्या हुआ। कल जब तुम बड़े होंगे, तो तुझे जिंदगी भर इस बात का मलाल रहेगा कि मैंने ये कार्य पूरा नहीं किया। तो चाहे आप आर्टिस्ट हो, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप आदमी हो, चाहे आप औरत हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बड़ी अवस्था में हो, आप जो भी हो, आपका जो भी सपना है, हर इंसान के अलग अलग सपने होते हैं, अलग अलग इच्छाएं होती है, आप वो कीजिए। जहां तक कि किसी और को हानि ना पहुंचे, आप बस उसमें लगे रहिए। चाहे आपको उसमें मेडल मिले ना मिले, चाहे आप उसमें एवरेज हो, चाहे आप फर्स्ट आते हो, चाहे आप उसमें फेल होते हो,
चाहे आपको उसमें प्रशंसा मिलती है, चाहे उसमें आपको तिरस्कार मिलता है, यदि आपका दिल कहता है कि मुझे ये अच्छा लगता है और ये सही है और उससे किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है, तो बस आप करते जाइए, स्वयं ईश्वर आपको रास्ता दिखाता जाएगा, अपने आप कुछ ना कुछ बनता जाता है, होता जाता है। मेरा जीवन साक्षात उसका उदाहरण है। कई बार जैसे आपने मुझे कहा कि आपका क्या फ्यूचर प्लान है, कई बार मेरे पास प्लान नहीं होता है, बस मुझे ये पता है कि मैं आज को बहुत अच्छे से करूंगी, ईमानदारी से करूंगी, कल खुद ब खुद आ जाता है बस। थैंक यू आरती जी, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल टाइम बीइंग विद यू हियर। एंड थैंक मैं आज के इस सेशन के लिए थैंक्स कहना चाहूंगी कर्मा फाउंडेशन के फाउंडर पर्सन मिस्टर चिरंजी पटेल एंड मिस प्रियांशी पटेल एंड एसोसिएट पार्टनर वाइल्ड ड्रीमर प्रोडक्शन के फाउंडर पर्सन आरती जी बजाज एंड सपोर्टिंग पार्टनर शिवांशीमालानी.com के फाउंडर पर्सन श्री सुरेंद्र जी बंसाली। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस हियर। इट्स बीन अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू पिंकी फॉर हैविंग मी। थैंक यू गर्मा फाउंडेशन। थैंक यू।